मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। एक्चुअली ये जो मशीन है देखो, यहाँ से कहीं से ना अंदर से ना लीकेज हो रहा है, वाटर लीकेजिंग हो रहा है इस मशीन के अंदर से, पता नहीं कहाँ से तो लीकेजिंग हो रहा है। और थोड़ा बहुत प्रेशर कम हो गया क्योंकि लीकेज हो रहा है ना पानी शायद इस वजह से, है ना। तो एक्चुअली क्या हो गया, ये नज़दीक कोई एक मेरा सब्सक्राइबर रहता है, उन्होंने मेरा वीडियो देखा, बाद में मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया, और उनका ये मशीन है, ये मेरा मशीन नहीं है, किसी और का मशीन है, ये है STARQ W4। तो हम अभी क्या करेंगे, इसको खोलेंगे और बाद में हम चेक करके देखेंगे। एक्चुअली ऊपर से फुल प्लास्टिक का कवर है ना, तो पता नहीं चल रहा एक्चुअली अंदर कहाँ से लीकेज हो रहा है। तो हम पहले इसको खोलेंगे, बाद में पानी से चेक करके देखेंगे कहाँ से लीकेज हो रहा है, उसके बाद हम इसको प्रॉब्लम इसका सॉल्व करेंगे। यस, खुल गया। चलो अब हम इसको चला के देखेंगे, पानी में कनेक्शन करके, ये कहाँ से लीकेज हो रहा है, यहाँ से कहाँ से लीकेज हो रहा है बोल रहे थे। देखें अभी देखेंगे हम कहाँ से लीकेज हो रहा है वो। ये देखो, ये मैंने कनेक्शन कर लिया है, लाइट है इधर, बाकी अपने पानी, और ये देखो फुल कनेक्शन किया है, और ये साइड मैंने मशीन खोला है, और ये देखो ये लीकेजिंग इधर हो रहा है, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। देखो ये प्रॉपर मैंने गन भी सेटिंग कर दिया है, ये देखो ये हो रहा है लीकेजिंग, है ना। ये देखो ऊपर से, ये देखो ये इस पॉइंट से लीकेज हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ इस पॉइंट से कहाँ से लीकेजिंग हो रहा है, और नीचे से भी, यहाँ से देखो, ये देखो यहाँ से भी हो रहा है। देखो चलाने के बाद आपको क्लियरली दिखेगा बाद में, ये देखो जैसे हम अभी मशीन को चालू करेंगे बाद में देखो कैसा होता है वो। ये देखो लीकेजिंग, ये आपको दिख रहा है यहाँ, आपने देखा कैसा इधर से ये देखो, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से बहुत तेज़ी से पानी आया। देखो फिर से देखो, हाँ ये देखो जैसे ही मैं चालू करूँगा देखना कैसे तेज़ी से पानी निकलता है यहाँ से। हाँ ये देखो यहाँ से पानी निकल रहा है, क्लियर दिख रहा है एकदम। अब हम इसको सही करेंगे। यस, जब हम इसको खोलेंगे तो ऐसा ऐसा मशीन को ऐसा खड़े करके खोलेंगे, क्योंकि ये देखो इसकी ये साइड में रहता है ऑयल, है ना, और ये साइड में पूरा फुल पंपिंग सिस्टम है, तो हमको खोलना है ये आगे वाला साइड से, यहाँ से पानी निकल रहा है। देखो ये वाला पॉइंट है ना, दिखाता हूँ, ये वाला पॉइंट से पानी निकल रहा है, तो हमको ये आगे वाला साइड खोलना है। एक्चुअली ये चार नट खोला ना तो फुल ये पॉइंट तक बाहर रहता है, पर हमको नीचे वाला नहीं खोलेंगे, यहाँ पर ऑयल रहता है, आपको अगर कभी ऑयल चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो ये वाला पॉइंट निकल के, पर हम बस ये चार स्क्रू खोलेंगे, ये ऑटोमेटिक चार स्क्रू खोला था, ये भी पूरा बाहर रहता है, पर हमको नहीं निकलना है वो, तो हमको बस ये चार स्क्रू ही खोलेंगे। इसके लिए एलन की पाना चाहिए होता है, स्पेशल पाना है उसके लिए, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा पाना इसके लिए लगेगा। ये देखो ये इस तरह का सेट आता है, ऐसा वाला आपको खरीदना पड़ेगा अगर मशीन खोलना है तो हमको ये कौन सा साइज में आएगा देखता हूँ मैं। यस, ये इसके लिए बराबर साइज है, देखो यस ये खुला, ऐसे हमको चारों खोलना है। ऐसे मशीन का प्रेशर भी इतना बुरा नहीं है, प्रेशर अच्छा था, पर बस खाली उधर लीकेजिंग हो रहा है ना, हम देखेंगे तो अंदर क्या हो गया, दिक्कत है, लीकेजिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो अब हम इसको निकालेंगे, ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मारने का कुछ ऐसा थोड़ा सा हल्का खासा पहला, बाद में इसको निकलने का, देखते हैं अंदर क्या दिक्कत आ गया, इसको कहाँ से लीकेज हो रहा है। ओके ये देखो ये प्रॉब्लम है, देखो एक्चुअली लीकेज हो रहा है ये रबर से, देखो रबर ये खराब हो गया है, ये जो सील है ना आपको मैं वहाँ पर दिखाता हूँ कैमरा बिल्कुल नज़दीक ला करके, ये देखो यहाँ पर जो रबर रहता है ये रबर में दिक्कत आ गया, ये देखो ये रबर कट हो गया, वो ठीक से अंदर लगता है पैकिंग के टाइम ठीक से बैठा नहीं था। ये देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये फट गया, देखो एक साइड से, देखो ये साइड में प्रॉपर गोल है, ये देखो यहाँ पर, और यहाँ पर देखो डैमेज आ गया इसको, ये देखो। तो ऐसा एक ओ रिंग रहता है नॉर्मल सिंपल एक रबर का रिंग है, ये आपको नॉर्मली टू व्हीलर के अभी जो शॉप रहता है ना, जहाँ पर इंजन का जो शॉप रहता है वहाँ पर भी मिल सकता है, ये ऑयल सील टाइप एक रबर है ये, तो आप इसके बदले आप कुछ जो ये जो टू व्हीलर का जो पैकिंग रेडी करता है ना, ये जो पेपर से कट करके ऐसा डिजाइन, तो वो भी आप यहाँ पर पैकिंग डाल सकते हो। मेन इसको पैकिंग, एक्चुअली इसको पैकिंग होने से मतलब है, प्रॉपर ये पैकिंग होना चाहिए, ये जो पॉइंट है वो पैकिंग होना चाहिए, देखो यहाँ पर।
ये देखो यहाँ पर प्रॉपर जब पैकिंग लगता है तो उससे क्या हो जाएगा बाद में, ये पानी लीकेज नहीं करेगा, यहाँ से लीकेज हो रहा है, पानी बाहर से जा रहा है। बस हमको ये रबर की दिक्कत आ गया, तो मैं तो इसको कुछ नहीं करूंगा, इसको प्रॉपर सही से देखो ये जो है ना, इसको थोड़ा सही से दबा के ऐसे प्रॉपर लाइन करके अंदर डाल दूंगा, इसी से वो काम बन जाएगा, इसी पुराने से ही, ऐसा उतना कुछ डैमेज नहीं होगा, ठीक से टाइट करेंगे तो काम बन जाएगा। चलो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ कैसे करना है। बस ये एक डैमेज डैमेज हो गया था, देखो आपको दिख रहा है, देखो ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो गया था एक्चुअली, बहुत लोग ऐसा टेंशन में आ जाते भाई ये क्या हो रहा है बोल के मेरे मशीन के साथ ऐसा वैसा, तो ज़्यादा कुछ बड़ा दिक्कत नहीं था। देखो जस्ट जरा सा मैंने खोला हिम्मत करके और देखा तो यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। मैंने स्पेशली कुछ ऐसा मैकेनिक तो मैंने कुछ किया नहीं ऐसा इस मामले में, ऐसा ये इस तरह का जो काम है टू व्हीलर वाले जो होता है ना काम करने वाले, वो लोग ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, पर इसमें मैं भी थोड़ा ऐसा कर रहा हूँ अपने दिमाग से ऐसा। और मुझे पता है ये जो मैं जुगाड़ करता हूँ ना काम हो भी जाता है। देखो ये देखो ये ऐसा ये जो इसके अंदर एक गड्ढा टाइप रहता है, इसके अंदर बराबर से ये फिक्स बैठना चाहिए, देखो बैठ नहीं रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर बाहर आ जाता है, वो पानी बहुत है। बस ये जो रबर ऐसा बाहर आ गया था लगता है फिटिंग करने के टाइम, बस यही दिक्कत हो गया था, इस वजह से यहाँ से लीकेज हो रहा है। ये जो पैकिंग करने का आप क्या कर सकते, देखो अगर आपको रबर नहीं मिले तो आप कुछ भी अलग इधर कुछ ये जो नाली सा रहेगा इसके अंदर कुछ अलग डाल सकते हो, तो मुझे लगता है देखो जब आप नया लागे तो इसके साथ आएगा आएगा ना, बस इसमें कुछ दिक्कत हो जाता है, थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो पूरा फुल बॉडी के लिए एक प्रॉपर पैकिंग बना लेना ना। बस मैं इसमें तो कुछ फिलहाल कुछ पैकिंग नहीं दिया है, फुल ऐसे बॉडी के लिए एक अच्छा सा पैकिंग बना लेना, काम उसमें बन जाएगा। जैसे कि आपके इंजन का फिटिंग करते हैं ना, तो एक इस तरह का ऐसे डिजाइन ऐसा पेपर डाल के मतलब कुछ कटिंग करके चारों ओर से एक पैड डालते, देखो यहाँ से साइड साइड से बॉर्डर ऐसा, और ये जो छेदा है ये बराबर आपको खाली रहना चाहिए, क्योंकि इस छेदा में ये जाएगा, देखो इस छेदा में ये जो व्हाइट व्हाइट रिंग है ये इसके अंदर जाता है, इसके अंदर देखो ये जो व्हाइट रिंग है ये इसके अंदर जाता है, तो आपको ये छेदा क्लियर रखना है, ये जो आवाज में ये एक छेदा है इसको क्लियर रखना है ना, तो जो कितना ज़्यादा जो छेदा जो वाला पॉइंट है वो आपको क्लियर रखना, पर ये जो लाइन है व्हाइट व्हाइट लाइन यहाँ से आपको पैकिंग डालना है प्रॉपर, एक ये करके पेपर से कटिंग करके डिजाइन करके ऑयल सील इसको पैकिंग बोलते हैं, पैकिंग डाल सकते हैं तो बाद में इससे काम बन जाएगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ, देखो रबर का एक्चुअली दिक्कत था ये, तो रबर अभी मैंने सही से फिक्स कर दिया, बैठा दिया अच्छे से सही से, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, अब हम इसको फिर से फिटिंग कर लेंगे तो मुझे लगता है काम बन जाएगा ये। ओके इसके और क्या था, कुछ था क्या इधर, ये देखो तीन रबर बराबर से ऐसा रहना चाहिए, परफेक्ट है हर चीज़ मेरा परफेक्ट दिख रहा है। चलो इधर हम फिर से इसको फिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और नीचे वाला साइड है ना, यहाँ पर बीच वाला एक पार्ट है, यहाँ से निकलो तो यहाँ पर ऑयल रहता है, तो हमको ऑयल तो चेंज करना नहीं, तो मैंने वो वाला पार्ट खोला नहीं। अगर आपको ऑयल चेंज करना तो मेरा और एक वीडियो बना के डाला मैंने, वो आप देख सकते हो। ये देखो परफेक्ट फिट बैठ गया, अब इसको हम टाइट कर देंगे फिर से। बातें ये कभी ना तू भूलना, वही तेरे खातिर है जी रहा, चलो अब हम फिर से चेक करेंगे इसको। दोस्तों एक्चुअली बाहर ना बारिश हो रहा, पर क्या कर रहा है वीडियो शूट कर रहा हूँ, मुझे काम तो करना पड़ेगा, देखो पूरा गीला गीला है बाहर है ना, बारिश चालू है, देखो पानी गिर रहा है देखो उधर से है ना, तो अभी चलो ठीक है, अभी हम मैंने कनेक्शन कर दिया है इधर, अब हम फिर से देखेंगे इसमें से पानी लीकेज होता है कि नहीं, देखो यहाँ से। हाँ चलो ये मैंने मशीन चालू करता हूँ, रेडी 1 2 3। ओह पावरफुल प्रेशर आया, ये देखो पानी लीकेज बंद हो गया दोस्तों, पानी लीकेज बंद हो गया, मतलब उसी रबड़ में प्रॉब्लम था, वो रबड़ ठीक से बैठा नहीं था, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी, अभी मैंने फिर से खोल के थोड़ा सही से सेटिंग कर दिया, अब ठीक हो गया है। देखो अब इसका प्रेशर देखो जरा, पावरफुल प्रेशर, ये देखो ये देखो जबरदस्त, ये देखो कैसा क्लीन कर लिया यार, इसलिए मैं अभी बारिश में भीग रहा हूँ, मुझे नहीं भीगना चाहिए मुझे लगता है, बंद करेंगे, ये देखो जबरदस्त, देखो जरा। चलो ठीक है, अब ये मशीन जो है ये ठीक हो चुका है, अब हम फिर से इसको पैकिंग कर देंगे, ये देखो जबरदस्त। चलो मेरा मोबाइल भीग रहा है, अभी बंद करते यार, मैंने रिपेयरिंग किया और बाद में पावरफुल प्रेशर देख के मजा आ गया, दिल खुश हो गया है ना। देखो ये जो मशीन है ना, स्टार क्यू W4 और JPT 2300 दोनों भी सेम मशीन है ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोनों का, जो भी अमेजोन पे अवेलेबल है आप दोनों में से कौन सा भी आप ले सकते हो। तो दोस्तों देखा मैंने अभी कितना आसानी से जो ना उसको ठीक कर लिया है ना, तो आप भी ऐसा ठीक कर सकते हो। और एक बात बताऊं, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है नित्य राय NITTORAI। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।